चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। समीकरण को हल करने का तात्पर्य है कि समीकरण में प्रयुक्त चर का मान ज्ञात करना। यहाँ पर प्रयुक्त चर x है, इसको हल करके x के मान प्राप्त करेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे, 1/9 एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1/9 इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। एक्स स्क्वायर माइनस 18 सेकेंड सम्स 3x² - 18 इक्वल टू 9। को हल करने पर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 9, 3x² - 18 को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, हो जाएगा 9 + 18 x² = इसको ऐड कर लेंगे 27/, और ये जो इनटू में है वो अपॉन में आ जाएगा, से ये डिवाइड कर देंगे 9x² = 9 x √9 इक्वल टू प्लस माइनस 3। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 8 तक सॉल्व करेंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 देखें। 2x² - 5² = 5² को हल करने पर 2x² - 5² = 5² 2x² = 5² हो जाएगा 25, और ये इधर आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा 25। x² = 50/2 2 से ये डिवाइड हो गया, 25 आ गया। x square equal to
सॉरी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 25 इक्वल टू प्लस माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 11 समीकरण 3x² - 4y² = 11। यदि x इक्वल टू 2 हो तो y एक्स इक्वल टू 2 हो तो वाई का मान ज्ञात करने पर एक्स इक्वल टू 2 दिए हुए समीकरण में रखने पर समीकरण है 3 × x के प्लेस पर 2 रख देंगे 2² - 4 y² = 11। 3 × 4 - 11 = 4y 12 - 11 = 4y² 4y² = 1 y² = 1/4 y = इधर स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाएगा 1/4 = ±1/2। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 x - 1/x = 0 को हल करने पर x - 1/x = 0 इस वाले पद को दूसरी तरफ ले जाएंगे वो हो जाएगा x = 1/x। अब ये अपॉन में है तो इसको मल्टीप्लाई इधर भी आएंगे LHS में तो हो जाएगा x² = 1 x = √1 = ±1। क्वेश्चन नंबर
15 x अपॉन 2 इक्वल टू 8 अपॉन x को हल करने पर x by 2 इक्वल टू 8 अपॉन x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 8 x इक्वल टू अंडर रूट 16 इक्वल टू प्लस माइनस 4 क्वेश्चन नंबर 17 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 5 को हल करने पर x माइनस 2 इक्वल टू 5 ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के द्वारा। आप सब लोग जानते हो ये फार्मूला, ये इस रूप में है, इसको हमने इस रूप में कन्वर्ट कर दिया x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 5 x स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 4 x इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 18 टू एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 162 को हल करने पर 2 एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 162 x माइनस 9 अपॉन 2 ये इंटू में 2 है, इसको पक्षांतर कर दिया तो बटे में आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया x माइनस 9 इक्वल टू अंडर रूट 81 x माइनस 9 इक्वल टू प्लस माइनस 9। धनात्मक चिन्ह लेने पर x
माइनस नाइन इक्वल टू नाइन, एक्स इक्वल टू नाइन प्लस नाइन इक्वल टू एटीन। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर x माइनस नाइन इक्वल टू माइनस नाइन, एक्स इक्वल टू माइनस नाइन प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। अतः समीकरण के हल x बराबर 18 तथा x बराबर 0 क्वेश्चन नंबर 19, 4/3x माइनस 3x upon 4 माइनस 4/3x इक्वल टू 0 को हल करने पर 3x/4 माइनस 4/3x इक्वल टू 0। माइनस वाले पद को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 3x/4 इक्वल टू 4/3x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, 3x into 3x इक्वल टू 4 into 4। वज्र गुणन के द्वारा ये हो जाएगा 9x² = 16, x = 16/9, x √16/9 इक्वल टू प्लस माइनस 4/3। ओके, प्लस प्लस क्वेश्चन नंबर 12, x/3 + 3/x इक्वल टू x/12 + 12/x को हल करने पर x/3 + 3/x इक्वल टू x/12 = 12/x। इधर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो गया 3x, इससे इसको डिवाइड करोगे x आएगा, x का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस नाइन इक्वल टू, इसी प्रकार इधर हो जाएगा 12x एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस 144, इसको इधर ले आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 9 अपॉन 3x इंटू 12x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 144, इससे ये डिवाइड हो जाएगा 4 आ गया, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4x स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 144, इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 36, 3x स्क्वायर इक्वल टू 108, इसमें इसको लेस कर दिया 108 आ गया, एक्स स्क्वायर 3 36, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 36 इक्वल टू प्लस माइनस 6, इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हुई। इसके आगे अगली एक्सरसाइज अगले टर्न पर कराई जाएगी।